भैया यहाँ से निकल रहा था तो सडनली हमें ये लोग मिल चुके हैं। तो भैया ये है देखो उदयपुरा की सबसे बड़ी मिल, उदयपुरा क्षेत्र, और कहीं या तो रायसेन जिला में भी शायद ना हो इतनी बड़ी मिल। करिया मुट्टा तो भैया भरी दोपहरिया में आ गए अपन बमोरी, यहाँ हो गए भोले बाबा जी के दर्शन। तो जयराम जी की दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग, आपका स्वागत है आपके अपने न्यू ब्लॉग में। जो भी नए लोग आए भाई चैनल पे, वो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और ऐसे ही डेली ब्लॉग हमारे देखते रहिए। तो आज हवा बहुत अच्छी चल रही है, बहुत कड़ाके की गर्मी पड़ रही है भाई, धूप इतनी भयंकर ज़्यादा, कुछ मत कहो। और अर्जेंट में आया, गुरु जी का कॉल बुला रहा है, वो दोपहर के बज रहे हैं तो 2 बजे बुलाया उन्होंने, क्या पता कहीं जा रहे हैं या फिर विद्यालय में रियाज करा रहे हैं। जो भी हो चलते हैं अपन विद्यालय, और विद्यालय जाके पता लगेगा। जैसा कि फ्रेंड्स मैंने बोला था कि क्या पता कहीं जा रहे हैं हम, तो स्कूटी की चाबी मिल चुकी है, अपन ने लगा ली भाई स्कूटी में और चलते हैं। पता ही नहीं, क्या पता कहाँ जाएंगे, जहाँ भी जाएंगे हम आपको जरूर बताएंगे। फाइनली फ्रेंड्स अपन को पता लगा है कि अपन जा रहे हैं बमोरी घूमने के लिए। बमोरी चलते हैं भाई, अपने खिड़िया बमोरी उदयपुरा के पास है, थोड़ी पास में है बमोरी, चलते बमोरी। तो भैया भरी दोपहरिया में आ गए अपन बमोरी, यहाँ हो गए भोले बाबा जी के दर्शन, हर हर महादेव। तो जो काम है भाई हमें यहाँ पे कर लेते हैं और फिर चलते हैं अपने उधर पर। तो फाइनल फ्रेंड्स बमोरी से घूम के आ चुके हैं अपन विद्यालय। तो देख रहे हालत कितनी भयंकर हो गई, बाल कैसे हो रहे हैं, ये इस कारण से हो रहा है भाई, मैंने करा था शैम्पू, शैम्पू का भी डालता नहीं बालों में, तेल का भी डालता नहीं, और शैम्पू डाला था तो मेरे बाल क्या है बहुत सिल्की हैं, और थोड़ा सा भी तेल डाल लूँ या फिर शैम्पू डाल लूँ तो बिल्कुल ऐसे नीचे रहते हैं, ऊपर ही नहीं होते वो। तो अब आ चुके हैं विद्यालय में, चलते हैं विद्यालय के अंदर। जतन के साथ चल रहे हैं अपन चाय लेने, जल्दी लेके जाओ, उस साइड गाड़ी है ना, इस साइड भैया हम चप्पल उतार देते हैं, कहीं उस साइड उतार देते हैं चप्पल, भाई चप्पल का बहुत लफड़ा बनता है, अगर हम इस साइड चप्पल उतार देते हैं तो गाड़ी उस साइड खड़ी होती और उस साइड गाड़ी खड़ी होती, तो हम कहो चप्पल इस साइड उतार देते हैं तो हमारा चप्पल का बहुत लफड़ा बनता है, क्यों भाई यार, सही बात है ना। तो अब ये गाड़ी लेके आ रहा है उस साइड जतन, तो उस साइड मेरी चप्पल है, उस साइड मिलते हैं इससे भाई है, और अपन चल रहे हैं यहाँ से चाय लेने अपन विद्यालय के अंदर का जस्ट। और फिर गुरुजी बोलने लगे चाय ले आओ, दिन में कम से कम भाई हमारी चाय आती है 150-200 रुपए की चाय, 10-15 बार चाय पीते हैं दिन में हम, मतलब समझ लो हर 10-15 मिनट पे चाय पीते हैं। तो आ चुके अपन इस साइड और अपनी चप्पलें डाल ली इस साइड और चप्पलें पहन लेते हैं जब तक वो आता है। तो आ गए अपना जत्तू, अब बैठ जाते हैं अपन इनकी फरारी पर, ये फरारी बहुत तगड़ी है, इस फरारी पर बैठ के चलते अपन चाय लेने आराम से, होले होले चलाओ भैया जी। बड़ा अपना करिया मुट्टा कहा तेरे बाल माल कट गए, बाल माल कट गए तेरे? हाँ यार थोड़ा सा गम दिल को छू गया, गम दिल को छू गया। तुम कहाँ घूम रहे जा भैया? आ रहे हैं तो सही है, रील बना जा रहा भैया की, चल ठीक रील बना फिर मिलते शाम को, ठीक है सर चाय ले आए, राम राम लव यू टू। चलो भैया चलते चाय लेने। ये अपने वाला खटोला है, भूसा से आ चुके हैं अपन चाय लेने, ये चाय ले रहा अपना जतन भाई, जल्दी जल्दी चाय ले ले और फिर उसके बाद चलते हैं अपन विद्यालय। तो जतन भाई ने करके दे दी अपने को चाय, एक नंबर चाय लेके पी लेते हैं अपन भैया, गरम गरम बिल्कुल हॉट हॉट चाय। तो फाइनली फ्रेंड्स अब चलते हैं अपन यहाँ से रेबा राइस मिल, जो कि उदयपुरा की सबसे बड़ी राइस मिल है, रेबा राइस मिल। तो चलते हैं भाई वहाँ पे, थोड़ा सा काम है तो काम करने के लिए चलते हैं भाई अपन रेबा राइस मिल। फाइनल फ्रेंड्स आ चुके हैं अपन रेबा राइस मिल। तो भैया ये है देखो उदयपुरा की सबसे बड़ी मिल, उदयपुरा क्षेत्र, और कहीं या तो रायसेन जिला में भी शायद ना हो इतनी बड़ी मिल, राइस मिल, ये उदयपुरा की रेबा राइस मिल, ये देखो आप बहुत बड़ी मिल है भाई, ये वाली मिल अभी बनी है, और पिछले ब्लॉगों में आपने देखा होगा, शायद नहीं देखा देख लीजिए, छोटे सरकार जी आए थे, परम पूज्य गुरु जी दादाई सरकार, तो छोटे सरकार जी आए थे हेलीकॉप्टर से, यहीं उतरे थे, तो वो ब्लॉग भी डला है, ये मिल का उद्घाटन हुआ था, और ये पुरानी वाली है और ये नई बनी है अभी, बहुत बड़ी मिल है भाई ये। अब चलते हैं अपना जो काम है वो काम कर लेते हैं और चलते हैं फिर यहाँ से। मिल से आ चुके हैं, अब सोच रहे हैं अपन यहाँ इसमें टंकी फुल करा लें, इसकी टंकी फुल हो रही है अब। तो भैया देख लो ये फुल टैंक हो चुका है अपनी स्कूटी का,
पल्सर का भी ऐसे फुल टैंक रखते हैं हमेशा, इसका भी फुल टैंक करा लिया। अब चलते हैं अपन विद्यालय। भैया यहाँ से निकल रहा था तो सडनली हमें ये लोग मिल चुके हैं। ये लोग हमारे ब्लॉग देखते हैं, देखते हो ना? हाँ। सभी लोग देखते हो? हाँ। अच्छा, लाइक वगैरह करते हो? नहीं, सब्सक्राइब भी किया? हाँ। ऐसे ही डेली ब्लॉग देखना होगा ना? हाँ। पक्का? ठीक है ठीक है। तो भैया आज तो मेरा बहुत ज़्यादा दिल खुश हुआ क्योंकि मैं आ रहा था और सडनली मुझे कुछ बच्चे मिल गए और मुझे रोक लिया, बोल रहा है भाई हम तुम्हारा ब्लॉग देखते हैं, डेली ब्लॉग देखते हैं, बहुत सपोर्ट करते हैं। तो भाई ऐसे ही आप लोग प्यार देते रहें, ऐसे ही सपोर्ट दिखाते रहें, अपने अपने दोस्तों से मेरा चैनल सब्सक्राइब करवाएँ और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे ब्लॉग शेयर करें, डेली मेरे ब्लॉग देखें। डेली बनाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ, डेली डालूंगा ब्लॉग। आप बस अपना प्यार बनाए रखें भाई और ऐसे ही मुझे सपोर्ट करते रहें, ऐसे ही प्यार देते रहें, ऐसे ही मिलें तो भाई मुझे ज़रूर बताएं कि आप मेरे ब्लॉग देखते हैं, तो मुझे बहुत खुशी होती, बहुत खुशी होती भाई। ऐसे ही प्यार देते रहें, ऐसे सपोर्ट बनाए रखें। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। जय राम जी की।